एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को जीवाजी विश्वविद्यालय का घेराव करने के लिए पहुंचे, लेकिन विश्वविद्यालय से पहले ही पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक लिया। जब कार्यकर्ता अधिक विरोध करने लगे तो उग्र होने लगे तो पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए फायर ब्रिगेड से पानी की तेज धार छोड़ी और कार्यकर्ताओं को मौके से खदेड़ा। हालांकि बाद में फिर से कार्यकर्ता एकत्रित हो गए। इसके बाद पुलिस ने करीबन दर्जन भर छात्र नेताओं को गिरफ्तार भी किया है। गुरुवार को एनएसयूआई के प्रदर्शन को देखते हुए जीवाजी विश्वविद्यालय प्रबंधन ने बड़े हंगामे की आशंका जताते हुए पुलिस बल का इंतजाम कर रखा था, पुलिस को भी बुला रखा था। हंगामा होने की वजह विश्वविद्यालय में आए दिन होने वाले हंगामे से न सिर्फ विश्वविद्यालय का माहौल खराब होता है बल्कि विश्वविद्यालय की संपदा का भी नुकसान होता है। पुलिस ने यहाँ छात्रों को रोकने के लिए वाटर कैनन का भी उपयोग किया और करीब दर्जन भर छात्रों को गिरफ्तार भी किया गया। एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष पवन शर्मा ने बताया कि वे व उनका संगठन अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन देने आए थे, लेकिन प्रबंधन ने आने नहीं दिया। इस वजह से आंदोलन उग्र हो गया, लेकिन पुलिस व प्रबंधन ने कार्यकर्ताओं पर सख्ती कर दी। आपको बता दें कि जिला कलेक्टर ने हाल ही में संपूर्ण जिले में धारा 144 लगाए जाने की घोषणा की है। इसका मतलब इस दौरान किसी भी तरह का जंगी प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। ऐसे में एनएसयूआई के द्वारा विश्वविद्यालय में होने वाले प्रदर्शन हम लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। आप ये देखिए इसमें मेरी कितनी भयंकर चोट भी लगी है। चार सौ कॉलेजों को संबंधित कंडीशन संबंधित नहीं कर दिया हमें ही नहीं है। जो चार सौ कॉलेजों को उन्होंने कंडीशन संबंधित दिए वो हमें ही नहीं है। जो कॉलेजों को संबद्धता जो उन्होंने रद्द करी है 400 कॉलेजों को कंडीशन संबद्धता उसके विरोध में किया था। इनके पास कोई नियम है नहीं है कंडीशन संबद्ध देने का। बीजेपी की गवर्नमेंट चला रहे हैं। जो एनएसयूआई स्टूडेंट विंग है उनकी कुछ विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ में कुछ मांगी थी, उन्हीं मांगों को लेके हमारे पास सूचना थी कि आज वो विश्वविद्यालय का घेराव करने वाले हैं। हमने पूरी पुलिस की व्यवस्था यहाँ पे लगा दी थी, दोनों ही गेटों को हमने व्यवस्था लगा के अच्छे से बैरिकेडिंग कर ली थी। उन लोगों जैसे ही 250-200 लोगों की संख्या में जब ये स्टूडेंट आए थे तो उनको हमने समझाने की कोशिश की कि शांतिपूर्वक तरीके से अपनी मांगे विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने रखें, बट कुछ लोगों के द्वारा जो बैरिकेड है उनको लांघ के विश्वविद्यालय कैंपस में एंट्री करने की कोशिश की और एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की गई थी। तो उसको रोकने के लिए हमें हल्का वाटर कैनन का यूज करना पड़ा है और अभी हमने 4-5 लोगों को अभिरक्षा में लिया है। जैसा भी पूरी स्थिति क्लियर होगी आगे की, अभी मामला शांत है लेकिन फिर भी जैसा स्थिति क्लियर होगी उनके बारे में डिसीजन लिया जाएगा। कुछ छात्रों को चोट आई है, किस तरह ज्ञापन था, वो ज्ञापन की भी मांग कर रहे हैं? नहीं, पुलिस की तरफ से बहुत ही लाइट बल प्रयोग किया गया है, कोई भी किसी भी तरह का कोई लाठीचार्ज नहीं किया गया है। जो भी चोटें आई हैं बच्चों को जो धक्का मुक्की में बैरिकेड की वजह से आई है, जो बैरिकेड को लांघने की कोशिश कर रहे थे, और अभी जो भी इसमें प्रशासन के सामने जो भी मांग उनको समझा दिया कि तसल्लीपूर्वक रखें और जो पूरा प्रकरण एक बार जैसे ही सॉर्ट आउट हो जाएगा उसके बाद जो हमने अभिरक्षा में लिया उनके खिलाफ़ हम जो भी डिसीजन लेना है वो हम उस हिसाब से लेंगे।